तो ये जो है चैप्टर टू का, चैप्टर टू जो है आपका पॉलिटी का, क्लास 11 की पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि आप देख सकते हैं कि अंडर द राइट टू फ्रीडम देर आर सम अदर राइट्स एज वेल एज। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम में उसके अलावा भी और बहुत सी राइट्स यहाँ पे होती हैं। ये जो राइट है वो हावेवर एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक जो इनमें से जो है वो मतलब उस पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इस पे भी थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, पीस और मॉरेलिटी की वजह से। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अब आपको एक राइट दी गई है फ्रीडम टू असेंबल, लेकिन इस पे भी सर्टेन क्या हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं कि आपको क्या करना है, पीसफुली क्या होना है भाई, असेंबल करना है, ठीक है, पीसफुली असेंबल करना है। सरकार इम्पोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस को बहुत सारे एरियाज में, जो डिक्लेयर करता है असेंबली किसका, 5 or more person एज अनलॉफुल, 5 या 5 से ज्यादा जो पर्सन है उनकी असेंबली क्या हो सकती है, यहाँ पे अनलॉफुल हो सकती है। तो इस तरह की जो पावर है वो इजीली मिस यूज हो सकती है, और किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से। जेन्यून प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाई द पीपल मे बी डिनाइड परमिशन। अगर लोग जो है वो अवेयर है और विजिलेंट है इन रिगार्ड टू देयर राइट्स, और वो चूज करते हैं कि वो प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस तरह के जो मिसयूज है वो रेयर बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, कुछ मेंबर जो है उन्होंने अपना जो डिससेटिस्फेक्शन है अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स, उसको क्या कर दिया है भाई, उन्होंने अपना एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आई फील दैट मेनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुलिस कॉन्स्टेबल, इनका ये कहना, यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट्स हैव बीन कंसीडेड एंड आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फॉलोड बाई अ प्रोविजो। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज फॉलोड बाई अ प्रोविजो विच टेक्स अवे द राइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। वॉट शुड बी आवर कंसेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वी वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट एवरी वन ऑफ दोज राइट्स विच आवर पीपल वॉन्ट टू गेट। ये सोमनाथ लाहिरी ने ये आरोप लगाया है। राइट किसकी है, अब भाई कोई अक्यूज है, कोई किसी जो किसी ने कोई गुनाह किया है और उस गुनाह में वो क्या हुआ है, उसको क्या बोल दिया है कि कसूरवार ठहरा दिया गया है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि अगर कोई पर्सन एक्यूज हो गया है कोई ऑफेंसेस की वजह से, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको भी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलना चाहिए। वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनी वन हु इज चार्ज विद सम ऑफेंस इज गिल्टी। अब ऐसा नहीं है कि आप पे चार्जेस लग गए हैं तो आप उसके गिल्टी होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। जब तक कोर्ट नहीं ये बयान कर देता, कोर्ट ये डिक्लेयर नहीं कर देता कि ये पर्सन गिल्टी है, तब तक किसी को भी गिल्टी नहीं मानना चाहिए। तो ये नेसेसरी है कि पर्सन जो एक्यूज है किसी भी क्राइम का, उसको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अगर हमें इंश्योर करना है फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स यहाँ पे दी गई है कि कोई भी पर्सन है वो पनिश्ड नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वन। एक क्राइम के लिए आपको सजा मिल चुकी है, ठीक है, फिर उस क्राइम के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिल सकती। कोई भी कानून है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता किसी भी एक्शन को एज लीगल फ्रॉम अ बैक डेट, मतलब जिसे एक कानून जो है 2016 में कुछ और था, 2017 में कुछ और था, तो जो 2016 में कानून था वो 2017 में एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि भाई आप अपने जो है आप अपने अगेंस्ट एविडेंस दो, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। एक्सप्लोइटेशन के भी अगेंस्ट हमारी राइट्स है। हमारी कंट्री में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ पीपल है जो अंडर प्रिविलेज्ड है और डिप्राइव्ड है, तो उनके साथ बहुत सारा एक्सप्लोइटेशन होता है, और ये ह्यूमन बीइंग ही करते हैं।
वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटेशन जो है वो हमारा है बेगार, जिसको हम फोर्स लेबर भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि पेमेंट नहीं दी जाती। दूसरा जो क्लोजली रिलेटेड फॉर्म है एक्सप्लोइटेशन का, वो क्या है, बाइंग एंड सेलिंग किसका, ह्यूमन बीइंग, और उनको स्लेव्स की तरह यूज करना। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्स लेबर जो है वो इम्पोज था कौन, लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से, अनदर वेल्दी पर्सन से इन द पास्ट। कुछ फॉर्म है बॉन्डेड लेबर के, वो स्टिल कंटिन्यू होते हैं कंट्री में, स्पेशली किसमें, ब्रिक इन वर्क में। इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इट इज पनिशेबल। अब आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स हुज वायलेशन इज डिपिक्टेड इन दिस फोटोग्राफ। तो ये एक पिक्चर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बच्चा है, और ये बच्चा जो है वो आप देख सकते हैं कि वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपको मुझे मेंशन करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कौन कौन सी राइट्स हैं जिससे इस बच्चे को क्या किया हुआ है, डिप्राइव किया हुआ है, ठीक है। आप मुझे प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड करता है कि बच्चों को, अगर बच्चों की एज 14 साल है तो फिर 14 साल से कम है तो आप उनको भाई नहीं कर सकते डेंजरस जॉब्स में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन। ये जो राइट है अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर इंसान जो है वो एंजॉय करता है राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। ये जो फ्रीडम है उसको हम हॉलमार्क बोलते हैं किसका, डेमोक्रेसी का। हिस्टोरिकली क्या है, वहाँ कुछ रूलर्स थे, एम्परर थे डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड में, जो जिन्होंने अपने जो रेसिडेंट्स हैं उनको अलाव ही नहीं किया कि वो अपनी चॉइस के फ्रीडम को, अपनी चॉइस के रिलीजन को प्रोफेस कर सके, फॉलो कर सके। पर्सन जो एक डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर, या तो उनको परसिक्यूट कर दिया जाता था, या उनको फिर बोला जाता था कि आप कन्वर्ट हो टू द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रूलर्स। देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड कि यहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वन्स चॉइस एज वन ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, भारत है, तो भारत में हम जानते हैं बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम भी रहते हैं, ओके, और यहाँ पे क्रिश्चियंस भी है, उसके बाद यहाँ पे जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, ठीक है। अब उसके अलावा भी बहुत सारे रिलीजन हैं, तो अब आप बताइए कि क्या आपको कभी यहाँ पे ऐसा लगा है कि आपको सरकार की तरफ से कोई फोर्स किया गया हो कि भाई आप सिर्फ हिंदू रिलीजन को फॉलो कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत जो देश है उसकी एक खास जो विशेषता ये है कि भारत ने हमेशा से सभी धर्मों के लोगों को पनाह दी है, और यहाँ पे जितनी राइट्स एक हिंदू को मिलती हैं, जितने अधिकार एक हिंदू के पास है, उतनी ही एक मुसलमान के पास है, उतनी ही क्रिश्चियन के पास है, उतनी ही जैन के पास है। यानी कि हमने तो कभी नहीं देखा कि धर्म के नाम पे हमारे देश में कभी कुछ हुआ हो, हमने कभी ये फील नहीं किया। तो हमारा जो देश है वो हमेशा से दूसरे जो धर्म है उसकी इसने हमेशा से इज्जत की है। इन इंडिया हर किसी के पास फ्रीडम है कि आप रिलीजन को चूज कर सको, आप प्रैक्टिस कर सको उस रिलीजन को। फ्रीडम जो है रिलीजन का वो इंक्लूड्स करता है फ्रीडम किसका, कंसाइंस का। इसका मतलब है कि एक पर्सन जो है वो चूज कर सकता है कोई भी रिलीजन को, या फिर चूज कर सकता है कि वो भाई कोई रिलीजन ना हो। अब ऐसा जैसे आप सपोज करो आप मुस्लिम है, ठीक है, सपोज करो आप हिंदू है, ठीक है, सपोज करो आप कुछ भी, अब आपके पास ये चॉइस है। एज अ मुस्लिम आई हैव चॉइस इन इंडिया, एज अ हिंदू आई हैव चॉइस इन इंडिया दैट आई इफ आई एम फ्री टू फॉलो नन ऑफ द रिलीजन, राइट, सॉरी आई एम अलाउड टू not to follow any religion, yes, I am allowed, ठीक है। ये मेरे देश का कानून मुझे अलाव करता है कि भाई अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते, ठीक है, it's fine। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स करता है फ्रीडम टू प्रोफेस, आप प्रोफेस कर सकते हैं, फॉलो करते हैं,
प्रोपगेट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को. फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन. लेकिन भाई साहब यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है. गवर्नमेंट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा सकता है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ. इसका मतलब होता है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो यहाँ पे एक अनलिमिटेड राइट नहीं है. सरकार क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है किसमें, रिलीजियस मैटर्स में, रूटिंग आउट सर्टेन सोशल लिमिट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पास्ट में सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें वो सती प्रथा जो एक बहुत बड़ी ईविल थी हमारी सोसाइटी की, बाइगेमी या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस, इनको सरकार ने क्या किया है, बैन किया है. इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शन है उनको हम अपोज नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि कुछ ऐसी जो प्रैक्टिसेस होती हैं रिलीजन में जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो. ठीक है, अब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है तो हम बिल्कुल उनमें थोड़ा सुधार ला सकते हैं, उनको हम बैन कर सकते हैं, राइट. लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशंस बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड द गवर्नमेंट. जब सरकार सीख करती है टू रेस्ट्रिक्ट सम एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस ग्रुप, पीपल ऑफ दैट रिलीजन फील दैट दिस इज इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीजन. पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी का एक क्या बन जाता है, एक रीजन यहाँ पे ये बन जाता है. ओके, अब यहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन. इसका इंक्लूड ये इंक्लूड करता है परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर. हाउएवर सम पीपल रिसेंट कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड दैट दीज आर बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट. अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप जो है अगर एक पर्सन है वो अपनी इच्छा से बिना फोर्सफुली, ठीक है, बिना किसी फोर्स के वो कन्वर्ट कर सकता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन से क्योंकि उसको पूरा अधिकार. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर सकता करता ये जो फॉर्सिबल कन्वर्जन्स होते हैं. ये क्या देता है, सिर्फ हमें एक राइट देता है कि आप अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हो अबाउट आर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट्स अदर टू. इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन. बीइंग अ कंट्री विच इज होम टू सेवरल रिलीजन्स इट इज नेसेसरी दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन. Negatively, it means that government will not favor any particular religion. बिल्कुल नहीं favor करना चाहिए. India जो है उसके पास अभी तक कोई official religion नहीं है. We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public official. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. हमारे पास हमने ये भी देखा है कि अंडर द राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे क्या है, गारंटी है कि गवर्नमेंट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट. इंस्टीट्यूशंस रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन नोर विल दे फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन. ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविजन इज टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. वो इस वजह से है क्योंकि इंडिया जो है भारत एक सेक्युलर कंट्री है. भारत एक सेक्युलर कंट्री है, किसी भी एक रिलीजन को ज़्यादा जो है वो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में. फिर आपके पास कल्चरल एजुकेशनल राइट्स भी है. जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम डाइवर्सिटी के बारे में इमेजिन करते हैं. डाइवर्सिटी तो इंडिया बहुत सारी मोनोलिथिक सोसाइटी की बनी. इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी. वी आर अ सोसाइटी जिसके पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है और सोसाइटी जो है वहाँ पे डाइवर्सिटी है. देर वुड बी सोशल सेक्शंस विच आर स्मॉल इन नंबर्स कंपेयर टू सम अदर ग्रुप. अगर एक ग्रुप माइनॉरिटी में है विल इट हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी. ठीक है, क्या ऐसा है, देखते हैं पढ़ते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बिलीव करता है भाई साहब कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है. देखो डाइवर्सिटी कहीं क्या होती है, कहीं एक क्लैशेस का कारण होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी क्या है, ये भाई क्या है, एक स्ट्रेंथ का कारण है. देयरफॉर एक फंडामेंटल राइट जो है वो है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू मेंटेन देयर कल्चर. भाई मैं एक माइनॉरिटी में अगर हूँ तो मेरे पास भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक पर्सन के पास अधिकार है जो कि मेजोरिटी रिलीजन फॉलो करता है.
माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो डिपेंडेंट नहीं है ओनली अपॉन रिलीजन. यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में भी आप आ सकते हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज में भी आ सकते हैं. ठीक है, माइनॉरिटीज क्या है, वो ग्रुप है जिनकी कॉमन लैंग्वेज हो या फिर रिलीजन हो या एक पर्टिकुलर पार्ट जो है कंट्री का या फिर इन द कंट्री एज अ होल. सो दे आर आउट नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन. इस तरह की जो कम्युनिटीज है उनके पास एक कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है उनकी खुद की, और उनके पास एक राइट है, राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दीज. जितनी भी माइनॉरिटीज है रिलीजियस है या लिंग्विस्टिक है वो अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं. बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. सरकार जो है वो वाइल ग्रांटिंग एड बिल्कुल उनको मिलेगा यहाँ पे इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बेस्ड ऑन दैट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं देखा होगा कि ऐसा हो सकता है. ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट ऑन द मेजोरिटी टू सी दैट इन फैक्ट द माइनॉरिटीज फील सिक्योर. Only safety for the minorities lies in a secular state. ठीक है, it pays them to be nationalist. Majority community should not boast of their national outlook. They should try to place themselves in the position of the minorities and try to appreciate their fears. All demands for safeguards are the products of those fears that the minorities have in their minds as regards their language, their script, and also about the services. Okay. अब आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसका मतलब होता है कि अगर हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी हमारी फंडामेंटल राइट्स कंटेन करता है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लिख देना बिल्कुल इनफ नहीं है. देयर हैज बीन अ वे टू विच दे कुड बी realized in practice and defended against any act on these rights. सिर्फ fundamental rights को लिख देना, ये इनको हम लिख रहे हैं, हमने लिख दिया fundamental rights को constitution में, लेकिन ये fundamental rights जो है वो practice में आए, ठीक है, ये हमें कौन देता है यहाँ पे, ये हमारा जो judiciary है, हमारा जो judiciary है वो कहता है कि enforceable है. अगर आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे कोई अटैक करता है तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब होता है कि अगर सपोज करो कि आपका उल्लंघन हुआ है किसी राइट्स का, तो आप जो है फॉर एग्जांपल आपके पास एक राइट टू स्पीच है, ठीक है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, आपको लग रहा है कि कोई आपकी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं. तो डॉक्टर अंबेडकर ने कंसिडर किया था कि जो ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, ये हार्ट और सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, इतना बड़ा इसको टाइटल दे दिया गया है, इतना बड़ा क्या दे दिया गया है, टाइटल दे दिया गया है. इट इज़ बिकॉज क्योंकि ये राइट क्या देती है, सिटीजन को एक राइट देती है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो. हाई कोर्ट के अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो कि आपकी जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्टोर हो जाए. अगर उनका उल्लंघन होता है, उल्लंघन मतलब वायलेशन होता है, कोई आपसे छीनता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं ऑर्डर और क्या दे सकते हैं, डायरेक्टिव्स दे सकते हैं सरकार को भी, इसके लिए राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट इशू कर सकते हैं बहुत सारे स्पेशल ऑर्डर. उनको हम क्या बोलते हैं, रिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, WRITS, रिट्स बोलते हैं. अब इसमें पहला जो है वो आता है आपका हेबियस कॉर्पस. एक रिट होती है हेबियस कॉर्पस की, इसका मतलब होता है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर करता है कि अगर किसी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो उसको कहाँ पे प्रेजेंट करना है बिफोर इट. इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ़ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री. मतलब क्या है कि कोर्ट ये कह सकता है भाई आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो आप उसको कोर्ट के सामने, आप हमारे सामने उसको लेके आइए, हेबियस कॉर्पस. ठीक है, कॉर्प का मतलब हेबियस कॉर्पस, वही होता है कि
आप उस इंसान को लेके आइए, और अगर आपने उसको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है तो आप उसको छोड़ दीजिए। हेबियस कॉर्पस के बाद आता है मैंडमस। तो ये मैंडमस जो है रिट है इशूड होती है जब कोर्ट जो है फाइंड करता है कि कोई भी एक पर्सन है वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है और वो क्या कर रहा है, देयर बाई इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब अपनी ऑफिसर है लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है, कोर्ट मैंडमस दे सकता है। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, ये रिट इशूड होती है हायर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कब देता है, एक लोअर कोर्ट पे, हैज कंसिडर्ड अ केस बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। द रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड अ केस अगेंस्ट इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम है, फिर आपका हाई कोर्ट है, उसके बाद बहुत सारे लोकल कोर्ट्स भी होते हैं। तो अगर ये होता है हायर कोर्ट सिर्फ लोअर कोर्ट को दे सकता है, कब, जब आप, जब कोर्ट को ये लगेगा कि ये जो कोई भी मैटर है वो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो ये प्रोहिबिशन का रिट दे सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। क्यों वॉरंटो, अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई एक पर्सन है वो एक ऑफिस होल्ड कर रहा है बट उस ऑफिस को वो एंटाइटल्ड नहीं है होल्ड करने के लिए, तो वो इशू देगा और उस इशू को हम बोलते हैं क्यों वॉरंटो, और रेस्ट्रिक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। फिर आता है फिफ्थ, आता है सर्टियोरारी। इस रिट में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई कोई भी लोअर कोर्ट है या फिर दूसरी अथॉरिटी है कि आप इस मैटर को ट्रांसफ़र करो हायर कोर्ट में, जैसे ये आपका लोकल जो है लोकल लेवल पे यहाँ पे क्या है, कोर्ट है, कोई मैटर है यहाँ पे, ठीक है, कोई मैटर है और यहाँ पे ये फिर आता है आपका हायर कोर्ट। तो हायर कोर्ट क्या कह सकता है, हायर कोर्ट ये कह सकता है कि आप इस मैटर को यहाँ पे इशू करो, आप इसको ट्रांसफ़र करो सर्टियोरारी। तो हमने कितने रिट्स के बारे में पढ़ा, पहला हमने पढ़ा मैंडमस, सॉरी नॉट मैंडमस, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कब होता है, जब अरेस्ट किया गया है और कोर्ट कह देता है उस पर्सन को अगर आप तो फ्री कर दो या फिर उसको हमारे सामने पेश करो अगर आपने उसको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है, उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। फिर आता है मैंडमस। मैंडमस कब आता है कि जब आपको लगता है, जब कोर्ट को ये लगता है कि एक इंसान है वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं फॉर्म कर रहा है, जो उसकी लीगल ड्यूटी है ऑफिसर की, मैंडमस। मैंडमस प्रोहिबिशन में कब आता है, जब यहाँ पे कोई कोर्ट है हमें पता है कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का केस लिए हुए हैं तो उसको रोका जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, प्रोहिबिशन। मैंडा, मैंडा, मैंडा मतलब लीगल ड्यूटी नहीं फॉर्म कर रहा ऑफिस। क्यों वॉरंटो क्या होता है, क्यों वॉरंटो ये है कि वॉरंटो मतलब जैसे एक पर्सन है एक ऑफिस को होल्ड कर रहा है लेकिन उस पर वो एंटाइटल नहीं है, ठीक है। सर्टियोरारी क्या होता है, ट्रांसफ़र के लिए होता है। ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी बहुत सारे दूसरे मेकैनिज्म हैं वो भी क्रिएटेड हुई हैं लेटर ईयर्स में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। यू मे हैव हर्ड अबाउट द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन एंड नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्टेस। तो आपने इन सब के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा हो। ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, देखिए औरतों के अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर जो दलित्स होते हैं। बिसाइड्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है NHRC, ये भी एस्टेब्लिश हुआ था कानून के द्वारा ताकि जो फंडामेंटल है उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट करे, और दूसरी फंडामेंटल राइट्स है और दूसरी तरह की जो राइट्स है उनको क्या हुए यहाँ पे कि यहाँ पे इनका क्या हो जाए भाई, प्रोटेक्शन हो जाए फंडामेंटल राइट। अब आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए रियल टेस्ट जो है राइट्स का गिवन बाय एनी इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन इज इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी राइट देता है आपको, दे दी है बहुत सारी राइट्स आपकी लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है तो उन राइट्स का क्या फ़ायदा। पुअर इलिटरेट और डिप्राइव्ड सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको क्या करना है, अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करना है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या फिर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल लिबर्टीज,
डेमोक्रेटिक राइट्स. ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये एक वॉच डॉग्स की तरह काम करते हैं अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ राइट्स. पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स. तो गवर्नमेंट ने इनको 1993 में एस्टेब्लिश किया था. ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें क्या होता है भाई, एक तो आपका फॉर्मर चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए. फिर आपके एक फॉर्मर जज हो गए सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस सीजे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, एक जज होते हैं और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट के, और दो और मेंबर होते हैं जिनको नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स. कमीशंस का जो फंक्शन है वो क्या इंक्लूड करता है, इंक्वायरी करता है एट इट्स ओन इनिशिएटिव और ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम इनटू अ कंप्लेंट. अब जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आप वहां पे जाके पिटीशंस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, विक्टिम कर सकता है या फिर कोई और भी कर सकता है, आप खुद या फिर ये जो है अपने खुद से भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं. विजिट करते हैं जेल्स को ताकि ये जो इनमेट्स की जो कंडीशन है उनको स्टडी कर सके और जो अंडरटेक कर सके और प्रमोट कर सके रिसर्च किसका इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. कमीशन के पास बहुत सारी कंप्लेन आती है हर साल. ये जैसे कस्टोडियल डेथ है, कई बार ऐसा होता है कस्टडी में क्या होता है डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कस्टोडी में क्या हो जाता है जैसे डेथ हो जाती है बहुत सारी जो प्रिजनर है, तो प्रिजनर की हालत जो है उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, उनका टॉर्चर हुआ है, कस्टोडियल रेप हुआ है विमेन के साथ, ठीक है, डिसअपीयरेंसेस है, पुलिस एक्सेसेस, फेलियर इन टेकिंग एक्शन, कुछ ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो एक्शन नहीं ले पाती है, या फिर इनडिग्निटी है टू विमेन, इन सब सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन जो है वो डिसअपीयर्ड हो चुका है, हैज़ डिसअपीयर्ड यूथ इन पंजाब and investigation and trial of Gujarat riot cases where its intervention proved effective. Commission ke paas jo hai power nahi hai prosecution ki power nahi hai is commission ke paas. Ye sirf recommendation bana sakta hai sarkar ko ya fir court ko bhi recommend kar sakta hai ki aap kuch proceeding ko initiate kariye apni inquiry ke based pe. To aap jo hai ये यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन .nic.in वेबसाइट पे जाके इसकी वर्किंग को एक बार ज़रूर देखिएगा. अब भाई आते हैं फंडामेंटल राइट्स की हमने बात कर ली, अब आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. देखिए जो हमारे मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये जानते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेगा. फॉरमोस्ट अमंग दीज वॉज द चैलेंज कि हमें जो इक्वालिटी है वो कैसे लेके आनी है और सारे सिटीजन्स के वेलबींग को कैसे प्रैक्टिस करना है. दे ऑल्सो थॉट दैट कि बहुत सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है ताकि ये जो प्रॉब्लम है इनको हम अच्छे से हैंडल कर सकें. एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता था कि जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी वो बाउंड होगी सर्टेन पॉलिसी डिसीजन को लेकर, तो देयरफॉर कुछ गाइडलाइंस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन, बट इनको लीगली एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया. मतलब जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह है, सिर्फ क्या है जैसे गाइडलाइन दे दी जाती है अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है, राइट, सो इट दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते पर्टिकुलर गाइडलाइन को तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप इंस्ट्रक्ट कीजिए सरकार को कि ये पॉलिसी क्या करे इम्प्लीमेंट करें. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है वो नॉन जस्टिसेबल है, पार्ट है किसका कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी. दोज हु फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट मोरल फोर्स बिहाइंड दीज गाइडलाइंस वुड एंश्योर दैट गवर्नमेंट वुड टेक देम सीरियसली. बिसाइड्स दे एक्सपेक्टेड दैट पीपल वुड ऑल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज डायरेक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है एक सेपरेट लिस्ट जो है पॉलिसी गाइडलाइंस की वो बनाई गई थी, इंक्लूड कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट जो है इन गाइडलाइंस की, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसका, स्टेट पॉलिसी का. अब हम देखिए इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये
एक ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम देखते हैं कि ऐसी क्या गाइडलाइंस है जो जो फोर फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस दी थी ताकि हम भी उनको रियल लाइफ में क्या करें, अप्लाई करें. तो गोल और ऑब्जेक्टिव जो है दैट वी एज सोसाइटी शुड अडॉप्ट, कुछ सर्टेन राइट्स है जो इंडिविजुअल एंजॉय करना उसको करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कुछ पॉलिसीज जो है जो सरकार को भी अडॉप्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के लिए भी है और भाई इंडिविजुअल के लिए भी है और ये सरकार के लिए भी है. सो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम सरकार ने ट्राई किया है कि वो क्या दे, इन फंडामेंटल इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट दे. तो उन्होंने बहुत सारे जमींदारी एबोलिशन बिल्स भी पास किए थे, जमींदारी एबोलिशन बिल्स, नेशनलाइज किया था बैंक्स को, बहुत सारे फैक्ट्री लूज को इनेक्ट किया था, मिनिमम वेजेस जो है उसको फिक्स किया था, जो कॉटेज है और स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट किया था, एंड क्या किया था, प्रोविजंस दिया था किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, ताकि जो शेड्यूल कास्टेस है शेड्यूल ट्राइब्स है उनको भी क्या मिल सके, रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल सके. इस तरह के जो एफर्ट है वो क्यों थे कि हमें जैसे कि इंक्लूड करना है राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन किसका, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का, पार्शियल राइट टू वर्क, अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा. फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं हम, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर ली भाई, कि अब उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी. देखिए एज अ सिटीजन आप ये नहीं है आपके पास सिर्फ राइट्स है ना, आपको हक दे दिए गए हैं, बट एज अ सिटीजन आपका भी कुछ देश के प्रति क्या बनता है, कर्तव्य बनता है, आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं. 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पास हुआ था, तो अमंग अदर थिंग्स ये इस अमेंडमेंट ने क्या क्या इंसर्ट किया, एक लिस्ट किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज के सिटीजन की. इन ऑल 10 ड्यूटीज जो है वो यहाँ पे इन्यूमरेट कर दी गई थी. हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इन्फोर्सिंग दीज ड्यूटीज. एज अ सिटीजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए, हमारी जो कंट्री है उसको डिफेंड करना चाहिए, हारमनी जो है उसको प्रमोट करना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट जो है उसको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एन्जॉयमेंट जो है राइट्स का उसको क्या नहीं, डिपेंडेंट नहीं बनाता या फिर कंडीशनल नहीं बनाता अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज. कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई ये नहीं कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटीज को निभाओगे तभी आप जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है. इस सेंस में इंक्लूजन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. अब यहाँ से ये पॉसिबल होगा देखने के लिए दोनों फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एज अ कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच. फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रेन करती है सरकार को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सरकार को क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का गोल के बारे में बात कर लेते हैं. गोल क्या है, ये वेलफेयर की बात करते हैं लोगों का, ठीक है, पीपल का, सोसाइटी का, सोशल वेलफेयर हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, पॉलिटिकल जस्टिस भी हो, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्यों, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये बात करते हैं प्रमोशन किसका, इंटरनेशनल पीस का, ठीक है. पॉलिसीज क्या है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिजर्वेशन किसका, स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत. उसके बाद आता नॉन जस्टिसेबल राइट्स, adequate livelihood, equal pay for equal work for men and women, right against economic exploitation, right to work, early childhood care and education below the age of 6 years. ठीक है, ये आ जाता है हमारा directive principle में. Principle जो है exhort करते हैं government को कि आप कुछ चीज़ें कीजिए सर आपकी society के welfare के लिए. Fundamental rights जो हैं वो क्या कर सकते हैं, mainly protect करते हैं rights किसी भी individual के, जबकि directive principle एंश्योर करते हैं सिर्फ कि वेल बींग हो पूरी एंटायर सोसाइटी का. हावेवर एट टाइम्स जब गवर्नमेंट इंटेंड करती है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. तो प्रॉब्लम कब आई, जब सरकार ने एक लॉज पास किए कि जमींदारी जो है उसका एबॉलिश हो. सो ये जो मेजर्स थे वो इसलिए लिए गए थे, क्यों जमींदारी के एबॉलिश की बात, एबॉलिश करने की बात क्यों की गई थी, ये वो इस वजह से की गई थी बिकॉज
बिकॉज दीज मेजर्स पर बिकॉज बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पे अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड रिसोर्सेज का, ठीक है, ये जो मेजर्स थे वो इसलिए लिए सरकार ने कि वर अपोज ऑन द ग्राउंड, और ये अपोजिशन भी हुआ इनका क्योंकि वायलेट कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी। हाउएवर कीपिंग इन माइंड सोसाइटल नीड्स जो है जो बड़ी होती हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया, अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इफेक्ट दे सके। इसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा बैटल हुई, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ने डिफरेंट पोजिशंस ले ली थी। सरकार ने क्लेम किया था कि जो राइट है वो हम क्या कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये आर्ग्यूमेंट एज्यूम करता है कि जो राइट्स हैं वो क्या थे, एक हिंड्रेंस थी, हिंड्रेंस किसके वेलफेयर के लिए, वेलफेयर किसका, लोगों का वेलफेयर। ऑन द अदर हैंड कोर्ट ने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और इतनी सेक्रेट भी थी कि वो लिमिटेड नहीं कर सकते हम फॉर पर्पसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आता है राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए ये कॉन्ट्रोवर्सी थी रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली वहाँ पे क्या था कि फंडामेंटल राइट टू एक्वायर प्रोसेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर किया था कि प्रॉपर्टी जो है वो कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। सिंस 1950 सरकार ने बहुत सारे लॉज बनाए थे जो लिमिटेड दिस राइट टू प्रॉपर्टी। दिस राइट वॉज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फाइनली फिर 1973 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन, और देयरफॉर पार्लियामेंट ने इसको क्या किया, पार्लियामेंट हैड पावर टू एब्रिज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट। 1978 में क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया और इसको सिंपल अब लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 308। तो ये कब आया था, 1978 में आया था आपका, और ये 44th वाला अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपकी। दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार ये कह रही थी कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को, कोर्ट ये कह रहा था पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को। ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है फिर सेटल हुई, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि केशव नंदा भारती केस आया था। इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के और आप इसको चेंज नहीं, और पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। वी शैल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो अब देखिए ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो देखिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।